घूमना किसे पसंद नहीं होता है, और आज के समय में हर कोई अपने रेगुलर एनवायरनमेंट से कुछ अलग एनवायरनमेंट को फील करना चाहता है, लेकिन सभी के लिए इन सारी चीजों को अफोर्ड करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। हम बात कर रहे हैं वैकेशंस की, यानी कि आज की नीड भी है और लोग अपने मनोरंजन के लिए किसी न किसी वैकेशन पे जाना भी पसंद करते हैं, लेकिन सभी के लिए इन सभी चीजों को अफोर्ड करना इतना इजी नहीं होता। यही कारण है कि आज के समय में लोग लो कॉस्ट में या फिर कहा जाए कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ज्यादा बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आप सोच रहे होंगे कि कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी? जी, आज हम कुछ इसी तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप अपने घर से बहुत ही इजीली इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि अब आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कहा जाए अपना टाइम नहीं दे सकते, या फिर आप किसी अदर बिजनेस पे मूव करना चाहते हैं, तो इन्हें इजीली आप वाइंड अप भी कर सकते हैं और बहुत इजीली आप इन्हें स्टार्ट भी कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो मैं अंजू आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही चार बिजनेस आइडियाज जो आप अपने घर से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो चलिए जानते हैं आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया। आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है वेकेशन होस्ट का, यानी कि जो लोग अपनी वेकेशंस को प्लान करते हैं उनके लिए आप एक होस्ट का काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग घूमने फिरने जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम उत्तराखंड गए या फिर हम हिमाचल गए, सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक होटल के लिए देखते हैं, यानी कि होटल वगैरह में किस तरीके की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, कितनी कॉस्ट होगी। लेकिन इन सब का भी एक अल्टरनेटिव अब आ चुका है, यानी कि आप अपने घर को भी रेंट आउट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है आपको, तो आप लॉन्ग प्रोसेस के लिए भी इन चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं, आपको कुछ थोड़ी बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे कि हम बात करें टॉयलेट्रीज वगैरह की, यानी कि आपको जो वन टाइम यूज सोप होता है, टूथब्रश होता है, या फिर जो बेसिक नीड की चीजें होती हैं, अगर आप उन चीजों को प्रोवाइड कर पाते हैं और लोगों को एक अपने घर वाली फीलिंग दे पाते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगे कि जैसे वो अपने ही घर में है, तो ऐसी सर्विसेज देने के लिए अगर आप रेडी हैं तो ऐसे सर्विसेज लेने वाले भी बहुत ज्यादा रेडी हैं, यानी कि एक म्यूचुअल रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इस बिजनेस की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो लोग कम खर्च करके इन चीजों को अवेल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफी इजी हो जाता है, यानी कि अगर आप इन सर्विसेज को देते हैं तो लोग इनको हाथों हाथ लेंगे। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानें। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। इस बिजनेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप यहाँ पे स्टे करता है उसे काफी प्लेजेंट सा माहौल मिलना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो कस्टमर सर्विसेज कोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं या फिर ऑफलाइन भी जाकर आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अपने स्किल में इनहेंस करने का मौका मिलेगा कि आप कैसे अपने गेस्ट को वेलकम करें या फिर कैसे उनके इस टूर को या उनके इस विजिट को और ज्यादा प्लेजेंट करने का काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप जब चाहें तब इस बिजनेस को स्टॉप भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इसे फर्दर रेंट आउट करना चाहते हैं या नहीं, यानी कि अपने घर को रेंट आउट करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वैसे आने वाले समय में जो इसका मार्केट साइज लगातार ग्रो होता जा रहा है, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है कि ये चीज काफी ज्यादा चलन में आने वाली है, तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया आपको खासा पसंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि होम बेक्ड गुड सेलर के तौर पे है। यानी कि जो चीजें हम बाहर से खाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स जो कि हम कहें कि फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार होते हैं, उनको काफी प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके लिए काफी ज्यादा केमिकल्स या गैसेस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन हेल्थ इश्यूज को अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे कि वेयरहाउस मेड या फिर स्टोर बॉट चॉकलेट चिप कुकीज वगैरह जो होती हैं, अगर हम इनको कंपेयर करें होममेड कुकीज से, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं होममेड बेकरी प्रोडक्ट्स को लेना। और इसकी शुरुआत आप अपने किचन से कर सकते हैं, आप अपने घर से कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जितना ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी भी तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बेक करके आप सेल कर सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए और बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन्हें शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आप अपने गुड्स के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो कुछ लोकल इवेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करिए, अपने नेबरहुड में इन चीजों को सेल करिए और उनके फीडबैक्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए कि उनकी तरफ से क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, क्या इनपुट्स आ रहे हैं, और इन इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट करिए अपनी प्रोसेस में। यानी कि जो भी चीज आप बेक करके सेल कर रहे हैं, उसमें उन चीजों को जैसे जैसे आप इंक्लूड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए फायदा बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्हें आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं। आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है, खासकर आप अपने इन प्रोडक्ट्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के द्वारा भी बेच सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इन बिजनेसेस को ऑप्ट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हीं ऐप्स या उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक अर्निंग के तौर पे आप यूज करें। और यही कारण है कि फेसबुक और इंस्टा का आज ज्यादातर यूज बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स में वाकई कोई बात है, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे और आपका जो कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी लेकिन प्रॉफिट आपका काफी ज्यादा अर्न होना शुरू हो जाएगा। और बिजनेस का एक मोटिव तो आप जानते ही हैं कि प्रॉफिट अर्न करना है, और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए आप इसे इजिली वाइंड अप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर किसी वजह से या किसी रीजन की वजह से, या फिर कहा जाए कि आपके नेबरहुड में शायद उस स्टेज को लोग नहीं पसंद करते, तो आप इजिली इस बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस आइडिया लगातार ग्रो ही करता जा रहा है, तो आप भी आज ही इस बिजनेस को ऑप्ट करिए। अब जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है पैकिंग सर्विसेज फैसिलिटेटर से। आपने देखा होगा, जब भी कभी हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, तो सबसे बड़ा जो पेन होता है कि वो कैसे पैकिंग की जाए, सारे सामान को कैसे पैकिंग की जाए कि जिसकी वजह से कोई भी सामान डैमेज ना हो और प्रॉपरली पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए जो ऑलरेडी मार्केट में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती हैं, जिसको लोग लेने से हिचकिचाते हैं। इसीलिए आप एक पैकिंग सर्विसेज फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के घरों पे जाते हैं और उनके जितने भी छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉक्सेस में पैक कराने का काम करते हैं, जिससे उनका जो लॉजिस्टिक का खर्चा होता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और यही कारण है कि लोग इन सर्विसेज को अवेल भी कर रहे हैं। तो ये काफी यूनिक सा और काफी लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करने वाला एक बिजनेस आइडिया है। आप आज ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें कुछ खास तरीके के स्किल की भी जरूरत नहीं है। आप अपने क्लाइंट से किसी भी तरीके से, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, या अपने लोकल एरिया में अपने ब्रांड की अवेयरनेस करा सकते हैं, या फिर अपनी फैसिलिटीज के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अब आप चाहें तो अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग मीडियम्स को यूज कर सकते हैं। और जब से लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना शुरू किया है, तो आपके लिए लोगों तक पहुंचना भी उतना ही आसान हो गया है। तो अगर आप किसी की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, खासकर अगर मूविंग सेक्शन की हम बात करें, यानी कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, तो कोई भी आम कस्टमर आपकी इन सर्विसेज को लेने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो चलिए जान लेते हैं अब आज का अपना चौथा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है टूर गाइड से। टूर गाइड की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है, चाहे आप अपनी सिटी की बात कर लें या स्टेट की बात कर लें, तो लोग ज्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस या मॉन्यूमेंट्स को जानने के लिए आते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी सिटी के बारे में या अपने स्टेट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च आपने कर रखी है, तो ये आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम कर सकता है। यानी कि अगर आप अपनी नॉलेज का यूज दूसरों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को अपनी इस नॉलेज को कन्वे करने में आप अगर सक्सेसफुल हैं, तो आप एक टूर गाइड के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि इतना खर्च करके, या फिर कहा जाए इतने
पैसे लगाकर लोग अगर किसी जगह पर आते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आप ये प्रॉपर नॉलेज दे पाते हैं तो ये सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये काफी यूनिक है, काफी ट्रेंडिंग है, और अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो आप जानते ही हैं कि देश विदेश में भी आपको किसी भी जगह पे जाना होता है, अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है तो एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उन सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में बताता है, किसी बिल्डिंग के बारे में बताते हैं, या फिर ऐसी कोई भी घटनाएँ हैं या इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो वो आपकी अर्निंग को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप आपके लिए हो सकता है। तो आई थिंक ये चार के चारों बिजनेस आइडिया जिन्हें घर से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी है, ये आपको खासा पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही और भी बिजनेस आइडियाज के लिए आप विजिट कर सकते हैं @www.iid.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।